वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाबत आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फ़ी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल दो में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जी प्रकाश कुमार गौतम वासुदेव मैनन और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से इन्होंने ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने के बाद तो डेफ़िनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

रेटिंग क्या है तो यहाँ पर सिक्स पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन की है जो के काफी अच्छी को गूगल के परसेंट तक किया गया। तो इस को के यूजर्स की जानव से यहाँ पर सेवेंटी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने गी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहा पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आहा वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल 2022 में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक, एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जी प्रकाश कुमार गौतम वासुदेव मैनन और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है बहुत अच्छे से इन्होंने ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूँगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

देगी क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपेक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी तो की डायरेक्शन को हैंडल करके मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने में कौन कौन सी मूवीज आप लोगों के सामने की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहां पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है।, मिल है और भी ऐसी मूवीज इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहा इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आहा वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई साल बाईस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फ़ी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल 2022 में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जी प्रकाश कुमार गौतम वासुदेव मैनन और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से इन्होंने ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

गी क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल 2022 में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली totally डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने

तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगरा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आहा वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बा आसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फ़ी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल दो में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली totally डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जीवी प्रकाश कुमार गौतम वासुदेव मैन और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से इन्होंने ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देख के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल तो है तो या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आहा वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल दो में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली totally डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बुला जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जीवी प्रकाश कुमार गौतम वासुदेव मैन और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को देखने मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से इन्होंने ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस हमें ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

रेटिंग क्या है तो यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन की आई की आईएमडीबी रेटिंग है जो के काफी अच्छी को गूगल के परसेंट तक किया गया। तो इस को के की जानव से यहाँ पर सेवन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने गी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर इनकी लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आहा वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में रिलीज हो चुकी मूवी की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाबा आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फ़ी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल दो में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली totally डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बुल्लामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की, की कास्टिंग में को को अपना रोल निभाया है उसी जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

देगी क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने प्रजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाबत आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल दो में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली totally डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोल लामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जीवी प्रकाश कुमार गौतम वासुदेव मैन और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से इन्होंने ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

गी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर आ, अयंगरा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल 2022 में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली totally डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बुल्लामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी को को जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने

तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस की रखी गई है तो मेरे हिसाब से तो राउंड अबाउट की टाइम ड्यूरेशन है।, है, है।, है जो कि एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की इतनी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए लेकिन उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया इस मूवी की आई एम डी

देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने प्रजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बा आसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल 2022 में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली totally डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जी प्रकाश कुमार गौतम वासुदेव मैन और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से इन्होंने ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल दो में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली totally डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जीवी प्रकाश कुमार गौतम वासुदेव मैन और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को देखने मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से इन्होंने ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की की सारी की सारी जो है है वो आप लोगों के सामने जेनर क्या है? हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

रेटिंग क्या है तो यहाँ पर सिक्स आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग है जो के काफी अच्छी को गूगल के यूजर्स की जानव से, तो से यहाँ पर सेवन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने गी क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इनकी लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आहा वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल 2022 में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जी प्रकाश कुमार गौतम वासुदेव मैनन और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से इन्होंने ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने प्रजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फ़ी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल दो में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जी प्रकाश कुमार गौतम वासुदेव मैनन और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से इन्होंने ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने के बाद तो डेफ़िनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

रेटिंग क्या है तो यहाँ पर सिक्स पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन की आई एम डीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानव से यहां पर सेवेंटी वन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने गी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर तो रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहा पर इनकी लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आहा वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फ़ी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल दो में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली totally डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस की कास्टिंग, में अपना रोल इस की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने के के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफी अच्छे से मूवी आप लोगों के सामने की गई है उसी बेसिकली सारी की सारी देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने प्रजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई साल 2022 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फ़ी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फ़ी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल 2022 में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहां पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जी प्रकाश कुमार गौतम वासुदेव मैनन और काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से इन्होंने ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

गी क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल 2022 में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली totally डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने

तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

गी क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर, इस था था था। पर था था कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फ़ी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल दो में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली totally डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जीवी प्रकाश कुमार गौतम वासुदेव मैन और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से इन्होंने ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देख के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल दो में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली totally डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बुला जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जीवी प्रकाश कुमार गौतम वासुदेव मैन और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से इन्होंने यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

रेटिंग क्या है तो यहाँ पर सिक्स पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन की है जो के काफी अच्छी को गूगल के परसेंट तक किया गया। तो इस को के यूजर्स की जानव से यहाँ पर सेवन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने गी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि यह मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहा पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आहा वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फ़ी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल 2022 में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली totally डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बुल्लामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी को को जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने प्रजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत तारी जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई साल बाईस में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाबत आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल दो में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली totally डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जीवी प्रकाश कुमार गौतम वासुदेव मैन और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से इन्होंने यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

गी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयरा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आहा वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल 2022 में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली totally डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने

तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई साल 2022 में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बा आसानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फ़ी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल 2022 में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली totally डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जी प्रकाश कुमार गौतम वासुदेव मैनन और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से इन्होंने ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज की तरफ से आई हुई साल दो में रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाबत आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल दो में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल दो में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली totally डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहां पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जीवी प्रकाश कुमार गौतम वासुदेव मैन और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को देखने मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है बहुत अच्छे से इन्होंने यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देखने के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस इस मूवी की की सारी की सारी जो है है वो आप लोगों के सामने जेनर क्या है। हमें मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

रेटिंग क्या है तो यहाँ पर सिक्स पॉइंट थ्री आउट ऑफ टेन की रेटिंग है जो के काफी अच्छी को गूगल के परसेंट तक किया गया। तो इस को के की जानव से यहाँ पर सेवन परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने गी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज़ प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है, है, है। जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इनकी लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल ज़ुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आहा वीडियो के प्लेटफॉर्म पर वेल तो जी अगर आप लोग तमिल इंडस्ट्रीज़ की कोई मूवी देखना चाहते हैं जिसके अंदर थ्रिल भी हो एक्शन भी हो और उसी के साथ साथ आप लोगों को एक प्रॉपर स्टोरी लाइन भी देखने को मिले अगर आप लोग ऐसी मूवीज़ देखना पसंद करते हैं तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाला हूँ एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है जी हाँ यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों के सामने एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी जो है वो रूमर्स सुन रखे होंगे और आप लोगों ने बहुत कुछ इस बारे में सुन रखा होगा तमिल इंडस्ट्रीज़ की तरफ से आई हुई साल दो में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी सेल्फी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने साल 2022 में रिलीज हो चुकी तमिल इंडस्ट्रीज की सेल्फी मूवी के बारे में तो मैं बार बार तमिल इंडस्ट्रीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साल 2023 में भी एक मूवी आई थी सेल्फी नेम से जिसकी स्टारिंग में आप लोगों को अक्षय कुमार और इमरान हाशमी देखने को मिले थे एंड वो भी सेम नेम है सेल्फ़ी नेम ही है उसका भी तो ये मूवी आप लोगों को साल दो में देखने को मिली थी जो कि प्रॉपर आप लोगों को टोटली डिफरेंट देखने को मिलती है उससे अगर आप लोग वो मूवी देख चुके हैं या फिर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया तो आप लोगों को इसे एक्सपीरियंस तो डेफ़िनेटली करना ही चाहिए यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है तो यहाँ पर इस मूवी की यहाँ पर कास्टिंग में हमें देखने को मिलेंगे वर्षा बोलामा जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की कास्टिंग में अपना रोल निभाया है उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जीवी प्रकाश कुमार गौतम वासुदेव मैनन और भी काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है बहुत अच्छे से इन्होंने ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए इस मूवी को देख के बाद तो डेफिनेटली मैं यही बोलूंगा क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा तो इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे से देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाता है यहाँ पर हमें थ्रिल देखने को मिलता है एक्शन देखने को मिलता है उसी के साथ साथ हमें ड्रामा देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ पर प्रजेंट भी किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली उसे एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये सारा कुछ आप लोगों के सामने रखा गया है उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो टाइम ड्यूरेशन कितनी है क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है

क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन को किसने संभाला है यहाँ पर डायरेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की यहाँ पर सारी की सारी जो है वो डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हैंडल किया है मथी मारन ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है अगर हम लोग बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि इन्होंने पास्ट में कौन कौन सी मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की हैं तो इन्होंने पास्ट में आप लोगों के सामने काफ़ी सारी मूवीज प्रेजेंट की हैं जिनमें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर अयंगारा देखने को मिलती है यनी देखने को मिल जाती है जिलवी देखने को मिलती है और भी ऐसी मूवीज़ इन्होंने प्रेजेंट की हैं अगर हम लोग बात करें कि ये मूवी किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर इन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो ये मूवी प्योर तमिल जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को देखने को मिल रही है आह वीडियो के प्लेटफॉर्म पर